सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार छोटी बड़ी पल पल खबरों के साथ रेवशा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट। बता दें कि ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये अपनी पत्नी का हत्यारा है। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि गत दिनों एक पति ने अपनी पत्नी को पत्नी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था। और वहीं पर मृतक के भाई के द्वारा थाना रेवशा में तहरीर देकर दहेज एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लिखाया गया था और मौके से घटना को अंजाम देकर पति फरार चल रहा था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज रेवशा पुलिस को एक बड़ी सफलता गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत मिली और पति को गिरफ्तार कर जेल भेजने की बड़ी कार्रवाई की गई। गत दिनों ये अभियुक्त अपनी पत्नी को मायके में ही मौत के घाट गला दबाकर उतार दिया था और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंक दिया था। वहीं पर थाना प्रभारी नवेंद्र सिंह सिरोही ने बताया कि जनपद सीतापुर में श्री एल आर कुमार पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के आदेशानुसार वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान अंतर्गत श्री मधुवन कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय एवं श्री समद बहादुर क्षेत्राधिकारी महोदय विश्वा के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रेवशा श्री नवेंद्र सिंह सिरोही के निर्देशन में एसआई श्री रोहिताज सिंह, हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र यादव, हेड कांस्टेबल शिवेंद्र पांडे, थाना रेवशा सीतापुर के रेवशा थाना थान गांव रोड पर गुरुद्वारा के पास से एक नफर अभियुक्त हेमराज पुत्र राम धीरज ग्राम मानपुर इटिया थाना थान गांव को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं पर उप निरीक्षक श्री रोहितास, हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र यादव, हेड कांस्टेबल शिवेंद्र पांडे थाना रेवशा आदि ये टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है श्री नवीन सिंह सिरोही थाना प्रभारी के कुशल निर्देशन में। वहीं पर थाना प्रभारी ने बताया कि ये गत दिनों ये अपनी पत्नी राम देवी को दहेज के कारण गला दबाकर मायके में मौत के घाट उतार दिया था और मौके से फरार चल रहा था। उसी के परिप्रेक्ष्य में चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत वांछित आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।